दोस्तों, क्यूएस क्वाक्वेरिलिक साइमंडस की ओर से वर्ष 2024 के लिए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी कर दी है। इस वर्ष क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में विषय के अनुसार भारत की रैंकिंग किया गया है। इस रैंकिंग में इस वर्ष जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। क्यूएस क्वाक्वेरिली साइमंडस की ओर से 2024 के लिए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की गई, जिसमें क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 69 भारतीय विश्वविद्यालयों ने अपनी जगह बना ली है। इस रैंकिंग में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भारत का सर्वोच्च रैंक वाला विश्वविद्यालय बन गया है। विकास अध्ययन के लिए विश्व स्तर पर 20वें स्थान पर JNU भारत का सर्वोच्च रैंक वाला विश्वविद्यालय बनकर उभरा है। इस लिस्ट में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद व्यवसाय और प्रबंधन अध्ययन के लिए दुनिया भर के 25 संस्थानों में शामिल है। इसके अलावा IIM बेंगलोर और कलकत्ता को शीर्ष 50 में जगह प्राप्त हुई है। इस रैंकिंग में रिकॉर्ड 1559 संस्थाएं शामिल थी, जिसमें पहली बार 64 यूनिवर्सिटी का स्वागत किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT गुवाहाटी ने डाटा साइंस में अच्छा प्रदर्शन किया है और 51 से 70 की वैश्विक रैंकिंग हासिल की है। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में विश्व स्तर पर 51 से 100वें स्थान पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT गुवाहाटी रहा है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इस वर्ष विषय के अनुसार भारत की रैंकिंग प्रविष्टियों और समग्र प्रदर्शन में क्रमांक 19% और 17% की वृद्धि हुई है। 424 भारतीय विश्वविद्यालयों में कुल 69 भारतीय विश्वविद्यालयों ने विषय के आधार पर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जगह प्राप्त की है। पिछले साल 355 प्रविष्टियों में से 66 विद्यालयों ने सूची बनाई थी। रैंकिंग विश्वविद्यालय की संख्या के मामले में भारत एशिया में 101 विश्वविद्यालय के साथ चीन के साथ दूसरा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश बन गया है। इस बीच चेन्नई के सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस ने दंत चिकित्सा अध्ययन के लिए विश्व स्तर पर 24